पोशी के लिए यहाँ पे मैं देख रही थी बोल, सोच रही हूँ। नहीं यार ये वाली भी वो फाड़ देगा, फोम है वो फाड़ देगा तनु, नहीं संभालेगा वो। और मैं तो सोच रही हूँ फिर ये वाली, ये इसके मुंह में तो नहीं वो फिसल के तो नहीं चली जाएगी। सो हमें ये वाली बॉल पसंद आई उसके लिए। टूट जाएगी उसके मुंह में जाते ही तोड़ देगा वो। ये वाली भी सही रहती है, ये वाली होती है ना, ये बॉल्स भी अच्छी रहती हैं। कुणाल क्या आप ढोकला खाना पसंद करोगे? हम आपके लिए इसमें प्याज नहीं होते, इसमें हरी मिर्च है नॉर्मल। कुणाल तेरे लिए ढोकला लेकर आया है हरी मिर्च वाला, बिल्कुल बेसन का चकाचक नया नया ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश बनवा के लाया है। आलो खा लो खा लो खा लो। और उसके लिए वो काफी टाइम से कह रहा था कि उसने मिठाई नहीं खाई, तो हमने सोचा ये भी ले आते हैं आज उसके पास। कहाँ है वो? अरे तुम क्या चाहते हो, मैं जिम जाना छोड़ दूँ? तू नहीं, तू ही तो मांग रहा था इतने दिन से। मैं भी जिम जा रहा था, ये डब्बा क्यों लेके आया? जिम जा रहा है, काम कर दुकान वाले को वापस दे दूँ। ये लो मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं खा नहीं सकता ये। आज नहीं जाता। चल आके खा लियो, अब रहने दे। कपड़ी बात होगी। किसके बने ये मिठाई के? कलाकंद के हैं, मत मिल्क केक। चलो मैं पहले कान्हा जी को ढोंग लगा देती हूँ। सो आइस रोन के लिए हम एक गिफ्ट लेकर आए। वैसे तो हम सोच रहे जब इसको नहलाने के लिए लेके जाएंगे तो ही इसे लेके देंगे, बट रबड़ की कैसी है? रबड़ में वो देख तोड़ देगा बेटा। नहीं तोड़ेगा, लाइक अभी दिखा ना। गोली दे दे, मार मत उसको। अब नहीं मिलनी, दे दे लाइट वाली बोल। खुश हो गया बस नहीं, तो अभी इसलिए मुंह में डाल रहा, वो लाइट ऑन हो रही है ना, जैसे लाइट ऑफ होगी अब रखेगा ये। नहीं इसको ठंडी लग रही है। नहीं वो उसको अभी ये लग रहा है कि अब ले ले, देखा देखा कहां था ना, लाइट ऑफ होते ही मुंह में डालेगा। कुछ भी हिल रही है, हाँ। पहले ना मैं ये सोच रही थी लू या नालू को, ये वो है ना कहीं मुंह में तो नहीं चली जाएगी। और स्लीपी नहीं, बट ये ऐसी बोलो से खेलता है वो गोली। हाँ स्लीपी स्लीपी मुंह में तो नहीं चल जाएगी, तभी मैं बहुत जल्दी वाली है। लेकिन इसका एक्सपीरियंस तो है खिलौनों से। हाँ इसको तो बहुत है। हम देते हैं दूसरी बड़ी वाली है क्या? बड़ी वाली ये नहीं ले रही थी, बास्केटबॉल बड़ी सारी मैं कह रही थी। बास्केटबॉल में एक सही में फोड़ देता हूँ अपना, ये लंबे लंबे नाखून मार के बिल्कुल भी काम ना आते। बॉल काम की नहीं थी फिर वो वाली, ये वाली सही रहती है। या फिर एक वो वाली जो बॉल थी दूसरी जिसपे कांटे कांटे बने होते हैं वो ठीक, वो सही रहती है। कांटे कांटे वाली, कांटे कांटे वाली ज्यादा वो चबाएगा भी नहीं तोड़ेगा भी नहीं। हाँ उससे इसका बढ़िया है। सो यहाँ पे रात का व्यू इतना अच्छा लग रहा है, है ना, रात के टाइम पे हम कभी शायद देखा ही नहीं हमने कभी, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। धीरे बहुत लग रहा है, हाँ पसंद आया भाई तुम्हें मुझे तो। यहाँ वीडियो वीडियो बन जाएगी, रील बन जाएगी, रात को कहाँ बनेगी ऐसे। सो अभी जाते हैं बस हम नीचे और फिर मिलते हैं बाद में। चल डोली, ये बहुत ज़्यादा नीचा है, ऐसे लग रहा है कि फ़ोन गिर जाएगा। मैंने फ़ोन को बहुत टाइट पकड़ रखा है कि नीचे ना गिर जाए फ़ोन। अच्छा वहाँ पे सामने कहीं पे डीजे चल रहा है, पता नहीं कहाँ चलता है, कहाँ चल रहा है डोली, शायद पता नहीं कहाँ पे चल रहा है। अच्छा लग रहा है यार, मतलब इतनी ठंड भी नहीं है अब तो, ठंड चली गई, वाली हवा नहीं लग रही, सारी ठंड गई, बढ़िया लग रहा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं, बाय बाय। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे, दो फ्लोर नीचे। हाँ चल, वो ज्यादा ऊंचा है ना, थोड़ी सी हम सीढ़ियों से ही चलते हैं। पता नहीं सीढ़ियों पे ना आते हुए होता है, जाते हुए नहीं होता, क्योंकि ना हमें बहुत डर लगता है। हम चढ़ाई चढ़ते हैं वैष्णो देवी की, तो चढ़ते हुए पता लगता है। अब बस अब लिफ्ट में चल ले बस, नहीं चल फिर चल ऐसे। कितने फ्लोर? तूने लिफ्ट में नहीं बुलाई थी? नहीं तू पागल है, तुम्हारे तो कुछ ऐसे ही लेके चलती हूँ। सो हम लोग पैदल चल चल के चल चल के हम लिफ्ट में आए ही नहीं है, हम थर्ड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। टेंथ पे चली गई है, बट हम यहाँ से स्टेयर से आए हैं और हमें पता नहीं लगा
डोली ये देख मिल्क वगैरह जैसे लेते हैं तो वो देखो सामने ऐसे वो कर दो कि सारा सामान घर पे ही रख जाए वो। और इस तरीके से ना हमको सबका अच्छा अपना ही आ गया क्या? हाँ। मैं को ये हमारे उधर भी लगा हुआ है ना सेम सामान, पता नहीं लगा कि हम पहुंच गए। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे हमें वो भी सबने अपना जैसे पता लग रहा है एकदम। अरे चांद तो निकला ही हुआ था घर जाते ही, वो घर जाते कह रही हूँ ऊपर जाते ही दिख गया हमें एकदम से। हाँ बस सब तो चलो अभी प्रसाद मिलो। अब हम बनाएंगे अभी चूरी दूसरे तरीके से कि इसको अब कैसे पकाएंगे, और ये वाला प्रसाद अभी ऐसे ही खाएंगे हम। सो गाइस यहाँ पे तनु ने क्या येलो वाली दाल बनाई है। सो गाइस अभी खाने वाले हम खाना, क्योंकि यहाँ पे तनु ने बनाई है येलो वाली दाल, मतलब मूंग की दाल बनाई है, और वो बिना उसके प्याज टमाटर, बिना प्याज और लहसुन के, क्योंकि बिना लहसुन के और प्याज के खाते हैं ना फास्ट की बात, तो इसलिए तनु ने यही बनाई है। और फिर मैंने प्रसाद तो वैसे चख लिया है, अभी मैं प्रसाद बनाऊंगी चूरी वाला, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मेरे को किस तरीके से बनाना है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक साइड पे बना लेती हूँ चाय। चाय पिएगी? ऑफकोर्स यार, क्योंकि चाय पिएगी, चाय के बिना तो ना दिन शुरू होता है ना दिन खत्म होता है, तो रात खत्म करनी है तो चाय पी के ही करनी पड़ेगी, तो चाय तो पीऊंगी मैं। सो यहाँ पे डोली को मिला है एक बैलून, और ये अभी देखना है इसको उड़ा उड़ा के खेलता है, ये जो ये खेलता है रोन हमारा ना खुश हो जाता है, इसको उड़ाना आता है ऐसे, ये खेलता है बहुत इसको ये ऐसे खेलता है ये बस इसके हाथ में ना, ओ तेरी जंप जंपिंग कर रहा है फुल इसको, ओ डोली बहुत ज्यादा जंप करता है ये। नहीं अब गया, अब बच गया बच गया, डोली उड़ा दे बस, थक गया लगता है डोली, गाड़ी से नहीं किसी की। मार बस थक गया अब, कितना खेलता है ये बैलून के साथ उड़ उड़ के, अभी बस फूट ही जाएगा थोड़ी देर में लग रहा है। गया अब तो गया, ओ गया खेल लिया, इसकी पूरी वो होगी ना एक्सरसाइज आज। हाँ। अभी इसको फटा हुआ भी चाहिए, ये देख ले ली इसने, हाँ निकल जाएगी फटा हुआ भी लेके घूमेगा घर भागेगा, दिखा गया डोली इसे बैलून बहुत पसंद है, बहुत बैलून और बॉल इसको ये चीजें बहुत पसंद है। अब देख फटा हुआ कहाँ गया, एक दूर है क्या? नहीं The next day. मैं तो गैस चला देती हूँ। हाँ चला दे गैस। तो गाइस यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं थोड़ी सी कढ़ाई गरम, मतलब थोड़ी सी वॉश करी थी तो गरम कर रहे कढ़ाई को, तो कढ़ाई में हम बनाने वाले चूरी। तो गाइस कल रात को मैं ना चूरी बना नहीं पाई, क्योंकि ना मम्मा ने बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, तो इसलिए मम्मी ने चूरी बना के खिला दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मॉर्निंग में जब बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से बना के खाते हैं इसे। तो अभी यहाँ पे हमारी कढ़ाई हो रही है गरम, और साथ के साथ अभी तनु इसमें देसी घी डालेगी, तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनती है ये, और बहुत टेस्टी बनती है, रात को तो मैं खा के बेहोश हो गई थी। सो गाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ देसी घी, क्योंकि हम इसको देसी घी में थोड़ा सा ना भुनेंगे, तो कल रात को तो मेरा मन नहीं था फिर ना व्लॉगिंग करने का, तो इसलिए फिर मैंने बनाया ही नहीं, मैंने सोचा कि क्यों ना कल नहीं बनाती, अब मैं मॉर्निंग में ही बनाऊंगी, क्यों क्योंकि इसको खाने में मजा आता है, और जब जितनी खानी हो जिस टाइम आपको खानी हो उस टाइम आप बनाए तो इसको आराम से खा सकते हैं। एक चम्मच तो इसको हमें ना अच्छे से भून लेना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने पीसा तो थोड़ी से भून लेंगे ना तो ये अच्छे से पक जाएगी। तो ये नहीं खानी? खानी है तो ये थोड़ी सी नहीं है डाल रही हूँ यार, तुझे खानी है? हाँ मैं भी खाऊंगी। अच्छा
और ये बता ना मुझे कि आप में से किस किस ने ये चूरी खाई है और किस किस को अच्छी लगती है। तो अब बस हम इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। अभी ये कलर आ रहा है, अभी थोड़ी देर में देखना रेड रेड हो जाएगी, ब्राउन रेड। और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है जब हम इसे भूनते हैं ना। तो अभी ये इस तरह से हो चुकी है लाल, अच्छे से भुन चुकी है। अभी ये थोड़ी सी और भून लूंगी थोड़ी देर। डोली आ जा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से भून के रेडी हो चुकी है और अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शक्कर जो कि ये वाली है गुड़ वाली। सो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, जिनको जितना मीठा खाना हो उतना ही डालना, कम या ज़्यादा जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप डाल लेना। और अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी प्रॉपर बढ़िया तरीके से और फिर इसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बट मैं बिना चाय के खाऊंगी